तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई टाइम ट्रेवल मूवी के बारे में। इस मूवी में हमें फ्यूचर के समय को दिखाया जाता है, जहां साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, और इस समय एक ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें पास्ट में भेजती है। इस सर्विस का फायदा टॉमी नाम का एक रईस आदमी उठाता है और अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करता है। टाइम लाइन्स बदलती रहती है और इससे निक नाम का एक आदमी बहुत परेशान हो जाता है। टॉमी का मकसद क्या है और वो पास्ट में क्यों गया, यह सब हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक औरत को देखते हैं, जो बता रही होती है कि प्यार एक सर्कल के जैसा होता है। जब किसी को प्यार होता है तो एक सर्कल की तरह वो कंप्लीट हो जाता है, और ऐसा प्यार कभी खत्म नहीं होता बल्कि अमर होता है। दरअसल जेनिन टॉमी की एक्स वाइफ थी और वो अब निक नाम के एक आदमी के साथ रह रही थी। आगे हम जेनिन और निक को देखते हैं, जहां निक बताने लगता है कि अगर उसके जिंदगी में जेनिन नहीं आती तो उसकी जिंदगी काफी बेकार होती और वो बहुत अकेला महसूस करता। दरअसल निक और जेनिन उनके दोस्त टेट और डोना की मैरिज पार्टी में गए थे। अगले सीन में हम निक और जेनिन को अपने घर पर देखते हैं। यहाँ में पता चलता है कि इन दोनों का एक कुत्ता है जिसका नाम चार्ली है। वही जेनिन सो रहे निक का एक वीडियो निकालती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। वही निक कुछ देर बाद अपनी नींद से जागता है और चार्ली को लेकर बाहर वॉक के लिए निकल पड़ता है। तभी जेनिन निक को वो वीडियो भेजती है जिसमें निक सो रहा था। यहाँ में पता चलता है कि निक और जेनिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब निक अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर एक गिफ्ट होता है जो उसकी बहन जोई ने भेजा था। दरअसल आज निक का बर्थडे था और जोई चाहती थी कि निक उसका बर्थडे उसके और उसकी फ्रेंड के साथ बिताए, मगर निक जोई से मिलने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे ऑफिस में बहुत काम है और वो नहीं आ सकता। अब निक एक मीटिंग में बैठा हुआ होता है कि तभी एक टाइम फेस स्टार्ट होता है। उनका बॉस सभी एम्प्लॉय से कहता है कि वो अपने घर पर फोन लगाकर चेक करे कि कहीं उनकी लाइफ इस टाइम फेस की वजह से चेंज तो नहीं हुई। अब ये टाइम फेसेस क्यों हो रहे थे, यह हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। निक तुरंत जेनिन को कॉल करता है और उसे अपना नाम, एड्रेस और उसके पति का नाम पूछता है। जेनिन बताती है कि वो लैंटाना क्रिसेंट लेन में रहती है और निक उसका पति है। दरअसल इन टाइम फेसेस की वजह से टाइम लाइन चेंज हो जाती थी, इसलिए निक इतना डरा हुआ था ये सोचकर कि कहीं टाइम लाइन चेंज होने से उसकी पत्नी तो चेंज नहीं हुई। शाम के वक्त जेनिन निक को बताती है कि उसके बहन ने उसे कॉल किया था और वो चाहती थी कि निक और जेनिन उनके साथ रॉक क्लाइंबिंग पर चले, मगर उसने मना कर दिया। तभी निक नोटिस करता है कि उनकी एक पेट कैट है जिसका नाम चार्ली है। निक ये सोचकर परेशान होता है कि उसने एक बिल्ली को अपने घर पर पेट बना के क्यों रखा, जबकि उसे बिल्लियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। बदले में जेनिन कहती है कि उनकी तो हमेशा से एक बिल्ली थी जिसे उन्होंने चार्ली का नाम दिया था। निक महसूस करता है कि कुछ तो चेंज हुआ है और उसे पूरा यकीन है कि उनकी कोई पेट कैट नहीं है बल्कि उनका तो एक पेट डॉग था। जिस पर जेनिन कहती है कि निक खामखा छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रहा है। निक को शक होता है कि कहीं टॉमी ने तो ये टाइम फेसिंग नहीं करवाई, क्योंकि वो अब भी जेनिन से प्यार करता था। निक कहता है कि उन्हें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए। बदले में जेनिन कहती है कि वो लोग टॉमी के ऊपर केस नहीं कर सकते, अगर उसने टाइम फेसिंग की है तो उसने कुछ बदला नहीं है, उनका बस पेट डॉग बदल गया है और इतनी सी छोटी बात के लिए वो टॉमी पर केस नहीं कर सकते। निक कहता है कि वो पास्ट में जाकर टॉमी और जेनिन की मुलाकात कभी होने नहीं देगा, जिससे वो फिर कभी जेनिन के पीछे नहीं पड़ेगा। जेनिन कहती है कि उसे यह सब करने की जरूरत नहीं, क्या पता ऐसा करने से निक और उसकी मुलाकात कभी ना हो। अगले दिन निक ऑफिस पर जाता है और जोई को बताने लगता है कि टॉमी टाइम लाइन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, शायद वो जेनिन को वापस हासिल करना चाहता है और वो ये नहीं होने देगा। बदले में जोई कहती है कि उसे टॉमी के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए बल्कि जेनिन के साथ अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही मैरिज लाइफ खराब हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम जेनिन को देखते हैं जो दो आदमियों की फोटोज ले रही होती है। दरअसल जेनिन पेशे से एक फोटोग्राफर थी और उसे फोटोज खींचना पसंद था। आगे हम निक को देखते हैं जो टॉमी को कई सालों बाद फोन करता है और उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पर बुलाता है। निक टॉमी से कहता है कि उसे पता चला है कि टॉमी टाइम जॉन्टिंग कर रहा है, मतलब पास्ट में जाकर चीजें बदल रहा है ताकि जेनिन और निक बिछड़ जाए। बदले में टॉमी कहता है कि वो टाइम जॉन्टिंग कर रहा है, मगर उसने निक और जेनिन को कभी अलग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी है और घिनौना भी। बदले में निक कहता है
कि टॉमी के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, वो टाइम जॉन्टिंग छोड़कर एलेक्स के साथ बात करने का क्यों नहीं सोचता। जिस पर टॉमी कहता है कि उसने एलेक्स से लगभग 6 साल बात नहीं की। एलेक्स तो निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो एलेक्स से बात क्यों नहीं करता। कुछ समय बाद निक पास्ट प्रोटेक्ट नाम के एक कंपनी पर जाता है ताकि वो अपने मेमोरीज ऑनलाइन स्टोर कर सके। पास्ट प्रोटेक्ट एक ऐसी कंपनी है जो टाइमलाइंस बदलने पर भी एक इंसान की मेमोरीज ऑनलाइन स्टोर करती है। ऐसा समझ लीजिए कि इस टाइमलाइन की फोटोज निक ऑनलाइन स्टोर करना चाहता है। अगर टाइमलाइन बदल भी गई तो वो अपने मेमोरीज को देखकर जेनिन के पास वापस जा सकता है। अब निक वहाँ अपना अकाउंट खोल लेता है और अपने और जेनिन के फोटोज वहाँ पर अपलोड कर देता है। शाम में निक अपने घर जाता है और जेनिन को बताता है कि उसने पास्ट प्रोटेक्ट में अपना अकाउंट बनाया है। अगर टॉमी ने टाइमलाइन चेंज करने की कोशिश भी की तो वो अपने मेमोरीज को चेक कर सकता है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि जेनिन उसकी बीवी है। मगर जेनिन इस बात से खुश नहीं थी कि निक ने पास्ट प्रोटेक्ट में अपना अकाउंट बनाया था। जेनिन कहती है कि टॉमी उसे और निक को कभी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो पर्सनली टॉमी से मिलने गई थी और उसने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो उसे और निक को अकेला छोड़ दे, जिसके लिए टॉमी मान गया। वहां से निकलने से पहले टॉमी ने उसे एक गिफ्ट भी दिया था। इन सब बातों को सुनकर निक को गुस्सा आता है और वो टॉमी के गिफ्ट को बाहर फेंक देता है। अगले दिन जेनिन काफी परेशान होती है, क्योंकि निक को ये लग रहा था कि टॉमी निक और जेनिन को अलग कर देगा। वो सीधा निक को एक वीडियो भेजती है जिसमें वो ये कह रही थी कि उसे और निक को कोई अलग नहीं कर सकता और ये सब खुद उन दोनों पर डिपेंड करता है कि उन्हें साथ में होना चाहिए या नहीं। ये सब सुनकर निक समझ जाता है कि जेनिन उसे कभी धोखा नहीं देगी और अगर टाइमलाइन चेंज भी हो गई तो वो उसे याद रखेगी। अगले दिन निक को पता चलता है कि जोई की दोस्त सिबिलिया रॉक क्लाइंबिंग करते समय नीचे गिरकर मर गई। ये सुन निक जोई से मिलने जाता है और उसे हिम्मत देता है। जोई कहती है कि उसके लाइफ में सिबिलिया के अलावा कोई नहीं था और वो अब बहुत अकेला महसूस कर रही है। वो निक को सलाह देती है कि उसे और जेनिन को साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिछड़ गए तो वो दोनों बहुत अकेले पड़ जाएंगे। शाम के वक्त निक जेनिन को लेकर बाहर जाता है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और उदास थे। जब ये दोनों बाहर होते हैं तो एक टाइम वेव तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। निक इस टाइम वेव को देखते ही समझ जाता है कि टॉमी ने पास्ट में कुछ तो छेड़खानी की है, जिससे निक और जेनिन दोनों की लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। वो सीधा जेनिन के पास भागता है, मगर टाइमलाइन चेंज होने से वो खुद को एक कार में देखता है। वो अपना फोन चेक करता है, मगर उसमें जेनिन का फोन नंबर नहीं होता। निक समझ जाता है कि जेनिन इस टाइमलाइन में उसकी वाइफ नहीं है, यहाँ तक कि निक का घर भी बदल चुका है। जब निक अपने घर जाता है तो वहाँ उसका कुत्ता चार्ली होता है। तभी निक को पता चलता है कि इस रियलिटी में एलेक्स उसकी वाइफ है। निक यह सब देखकर शॉक हो जाता है और अपनी पत्नी एलेक्स को अवॉइड करने लगता है। एलेक्स समझ जाती है कि उसकी और निक की रिलेशनशिप कमजोर पड़ने लगी है। अगली सुबह जब एलेक्स नींद से उठती है तो निक उसके बगल में नहीं होता, क्योंकि वो सोफे पर सो गया था। जब एलेक्स ऑफिस जाती है तो वो टॉमी को फोन करके बताती है कि निक उसे अवॉइड कर रहा है, शायद उन दोनों की मैरिज लाइफ खराब हो चुकी है। वही हम टॉमी को देखते हैं जो जेनिन के साथ रह रहा था। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो एलेक्स और उसके फोटोज देख रहा होता है। रात को निक और एलेक्स अपने एक दोस्त के मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं। निक खुद पर काफी घिन महसूस करने लगता है, क्योंकि उसके इस बर्ताव से एलेक्स काफी हर्ट हो रही थी। वो अब ठान लेता है कि वो एलेक्स के साथ अच्छे से बर्ताव करेगा और उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताएगा। अगले दिन जोई निक को कॉल करती है और बताती है कि सिबिलिया जिंदा है। ये सुनकर निक शॉक हो जाता है। अब निक और एलेक्स जोई से मिलने जाते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि जोई और एलेक्स अच्छे दोस्त हैं। कुछ समय बाद जोई, निक और एलेक्स जंगल में होते हैं, जहाँ सिबिलिया भी थी। जब सिबिलिया रॉक क्लाइंबिंग करने वहां से चली जाती है तो जोई बताने लगती है कि उसने पास्ट में टाइम ट्रेवल करके सिबिलिया को मरने से बचाया और उसे टाइम ट्रेवल करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़े। सिबिलिया को बचाने के चक्कर में वो अब कंगाल हो चुकी है और उसके पास पैसे नहीं है। एलेक्स जोई को हिम्मत देती है कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वो और निक मिलकर उसकी मदद कर सकते हैं। अगले दिन निक के फोन पर पास्ट प्रोटेक्ट कंपनी से कॉल आता है। वो लोग निक को बताते हैं कि टाइमलाइन चेंज होने से निक के सारे मेमोरीज उनके सर्वर से उड़ चुके हैं, मगर उन्होंने निक के एक मेमोरी को ढूंढ निकालने की कोशिश की और उन्हें एक फाइल मिल चुकी है। जब निक इस वीडियो को देखता है तो वीडियो काफी धुंधली होती है और निक को कुछ समझ नहीं आता कि ये मेमोरी क्या है। रात के समय निक उस वीडियो को फिर से देखता है
ताकि उसे कुछ समझ आ जाए, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन वो जोई से मिलता है और कहता है कि उसे टाइम जॉन्ट करना है, मतलब टाइम ट्रेवल। जोई उसे उस कंपनी का एड्रेस दे देती है और कहती है कि टाइम ट्रेवल करने के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं। अब अगले दिन निक उस कंपनी पर जाता है और उन्हें बताता है कि उसे पास्ट में जाना है, जब वो उसके दोस्तों के साथ बॉनफायर पार्टी कर रहा था, जिस पर वहाँ की एम्प्लॉई बताती है कि उसके पास 12 घंटे का समय है, वो पास्ट में जाकर अपनी मेमोरी फिर से जी सकता है। निक फट से उस टाइम में पहुँच जाता है। वो पास्ट में जाकर टॉमी की सेटिंग एलेक्स के साथ कर देता है और वो खुद एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उस टाइम एलेक्स और निक आपस में डेट कर रहे थे। वो बाद में अपने ही पास्ट वर्जन के लिए एक चिट्ठी लिखता है। वो अपने पास्ट वर्जन के लिए ये मैसेज छोड़ता है कि उसे एलेक्स और टॉमी को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पास्ट वाला निक सेम ऐसे ही करता है, जिससे निक का फ्यूचर पूरी तरह बदल जाता है। जब निक वापस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो छोटी मोटी जॉब करता है और वो शादीशुदा नहीं है। फिर एक दिन निक के फोन पर टॉमी का कॉल आता है। टॉमी कहता है कि टेट और डोना ने एक छोटी पार्टी रखी है और निक को इस पार्टी में आना चाहिए। पहले तो निक आने से मना कर देता है, मगर टॉमी के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जब निक पार्टी में जाता है तो उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। एलेक्स बताती है कि निक ने उसके साथ ब्रेकअप करके अच्छा किया, क्योंकि वो टॉमी के साथ खुश है और वो प्रेग्नेंट भी है। इन सब बातों को सुनकर निक की आंखें भर आती है। एलेक्स निक को सलाह देती है कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। अब निक नाराज होकर पार्टी से जाने लगता है कि तभी उसे जैनिन दिखाई देती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। निक और जैनिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो जैनिन को पिछले टाइमलाइन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। और इसी के साथ ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये टाइम ट्रेवल मूवी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।